सोनम बाजवा जी जो कंसेप्ट लेके आए हैं वो बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं, विमेन एम्पावरमेंट का जो पूरा वो लेके आए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं सबको बोलूँगी कि वो एक बार मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मेरे ब्रदर दे टाइम ते मेरी मदर नहीं गई सी शादी दे नाल, सानू बहुत बुरा लग्या सी। आज ये कंसेप्ट उठ के आया है, वी रियली एप्रीशिएट दिस कंसेप्ट एंड 5-स्टार रिव्यू फॉर द मूवी। किवें दी लगी फिल्म गोडे गोडे चा, एंड जिदा दा फिल्म दा जो रिव्यू चल रहा है बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, की कहना चाहोगे? गोडे गोडे चा काफ़ी अच्छी मूवी है। पिक्चर मुझे एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी कि एक लड़की ने शादी सिर्फ इसलिए करी उसको गुलाब जामुन पसंद थे, कहते मेरे गुलाब मिल जाए तो बंदा वो जितना मर्जी हुए मैम ठीक कर लाँगी, दैट वाज अ वेरी फनी सीन। मैम गोडे गोडे दे चा दा जो कंसैप्ट है बहुत ज़्यादा सिनेमाघरों के पसंद किया जा रहा है, तुहानू की खास लग्या फिल्म दे विच? मैनू वो फिल्म बड़ी अच्छी लगी, बड़ी चंगी लगी, और सोनम बाजवा जी जो कंसेप्ट लेके आए हैं वो बहुत अच्छा कंसेप्ट लेके आए हैं, विमेन एम्पावरमेंट का जो पूरा वो लेके आए हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं सबको बोलूँगी कि वो एक बार मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। या सो मैम तुस तां पुराना टाइम वेख्या होना है जदों बंदे जाते होंगे सी बरात ते, ते हुण गोडे गोडे चा बहुत अच्छा कर रही है, की कहना चाहोगे इदां दी फिल्मां जदों सिनेमा दे विच आंदियां? कंसैप्ट बहुत अच्छा है, मैं चंडीगढ़ तो बोल रही हूँ, मैनू बहुत अच्छा लग्या, सोनम बाजवा की एक्टिंग बहुत अच्छी है। मैनू याद है मेरे ब्रदर दे टाइम ते मेरी मदर नहीं गई सी शादी दे नाल, सानू बहुत बुरा लग्या सी। अज ये कंसैप्ट उठ के आया है, वी रियली एप्रीशिएट दिस कंसैप्ट एंड 5-स्टार रिव्यू फॉर द मूवी। मैम किवें दी लगी फिल्म गोडे गोडे चा, एंड जिदा दा फिल्म दा जो रिव्यू चल रहा है बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, की कहना चाहोगे? गोडे गोडे चा काफ़ी अच्छी मूवी है। आई थिंक जिवें पहला लेडीज़ नू दिखाया गया कि बड़ी कंजरवेटिव सोसाइटी सी, अपने ही घरां दे व्याहां विच लेडीज़ पार्टीसिपेट नहीं करदियां सी, बट नाउ विद द स्पैन ऑफ टाइम वी हैव सीन कि हुण तां मेल्स खुद चाहते हैं कि उन्होंने वाइफ उन्होंने नाल हो, उन्होंने कंपनी करे, सो इट्स अ वेरी गुड मूवी। एक्चुअली ना जैसे जो पिक्चर है ना गोडे गोडे चा, मतलब इट्स रियली सुपर, बहुत बढ़िया पिक्चर है ये, और मैं रिकमेंड करूँगी हर एक इंसान को, हर लेडी को, हर लड़की को ज़रूर देखना चाहिए। चलो इसमें एक ना जो डांस का पक्ष है, जैसे पुराने टाइम में बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ के ऊपर ये प्रॉब्लम सी, नहीं जी आपने ये नहीं करना, मूव इधर नहीं जाना, उधर नहीं करना, डांस नहीं करना, कोई स्टेप तो बड़ी दूर की बातें हैं, है ना। किस तरह से देखो लेडीज़ वहाँ से बाहर निकल रही है, किस तरह शादी में गई हैं, अपने आप को स्टैंड करें, इट्स रियली सुपर्ब, बहुत अच्छा मैसेज है इसका। बट मैं एक बात और ज़रूर कहूँगी कि जिस तरह गर्ल्स अब ऊपर आ रही हैं, मतलब आगे बढ़ रही हैं, तो दे शुड लिव विद डिग्निटी, डिग्निटी से अपने आप को जिंदा रखें। ये नहीं कि फैशन के नाम पर कुछ और भी अपने इस तरह से कपड़े पहने कुछ है, दैट इज समथिंग रॉन्ग, बट अपने आप को डिग्निटी लेवल से अच्छा रखें, मैं ये कहूँगी। या सो मैम गोडे गोडे चा दे बारे की कहना, बिकॉज फिल्म इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, सारे सिनेमा हाउसफुल हो रखे ने एंड बहुत पसंद कर रहे हैं, कंसेप्ट कितना लग्या फिल्म का? मूवी मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि जो चीज़ें हम लोगों को बहुत इजीली मिल रही हैं, पुराने ज़माने में कितना मुश्किल था उन लोगों के लिए, छोटी सी चीज़ है कि आप किसी की शादी अटेंड करना चाहते हो अपने खुद के बेटे की, वो कितनी बड़ी बात है पुराने ज़माने में, तो वो चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ऐसे टाइम पर रह रहे जब हमें सब कुछ अवेलेबल है। सो कितने ना कितने मैम फिल्म में ये भी दिखाया कि पहला की जी औरतें सी अपने शौक भी किन्ने मार दिया सी, बहुत मारते थे, उनको इतने मिलते नहीं थे, सोर्सेज नहीं मिलते थे, और इतना उनको मिलता नहीं था कि वो इतना एक्सपोजर ले सकें, सो इस टाइम पे हम लोगों को कितना कुछ मिला हुआ है, इतना एक्सपोजर है, हमको सब कुछ कर सकते हैं, तो वो टाइम पे तो बहुत मुश्किल था, वो लोग पता नहीं कैसे अपनी सारी इच्छाओं को मार के जीते होते थे। या सर सो बेसिकली गोडे गोडे चा है तो औरतों की फिल्म, बट एज मैं तुम की कहोगे कि पहला की औरतों को उस टाइम कितना कुछ सहना पड़ता सी? एक्चुअली वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सोल्स हैं सब धरती पर, तो ऐसा मेल और फीमेल के डिफरेंस तो कभी नहीं होना चाहिए किसी के लिए भी, किसी समय में नहीं होना चाहिए। और उस पिक्चर में मुझे एक दो चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी कि एक लड़की ने शादी सिर्फ इसलिए करी उसको गुलाब जामुन पसंद थे, कहते मेरे गुलाब ही मिल जाए तो बंदा वो जितना मर्जी हुए मैम ठीक कर लाँगी, दैट वॉज अ वेरी फनी सीन। और कई वो नॉन वेज के लिए इतने क्रेजी थी मैडम, खैर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन इसके लिए भी उन्होंने शादी को अटेंड करना है कि हमें शायद वहाँ पर इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज भी हमारे इस प्रेजेंट सिनेरियो में भी बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कभी थिएटर नहीं जा सकती हैं, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँ, मैंने भी प्लान बनाया हुआ है, हमारा एक वुमन सेंटर चलता है अमृतसर में, तो उसमें हमने सोचा कि जितनी वुमन्स हैं डिप्राइज्ड एरिया से आती हैं उनको ये पिक्चर दिखाऊँगा मैं, तो हमने अराउंड 100 गर्ल्स हैं उनको सोचा वो दिखाने के लिए, प्लस अगर हमारे जितने सिटीजन मेरी बात सुन रहे हों वो अपने अपनी काम वाली को दिखाएँ क्योंकि वो कभी जा नहीं सकती हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लगेगा कि हमारे को ऐसी वुमेंस पिक्चर बनी थी, तो ये एक उनको गिफ्ट होगा अगर ये वुमेंस को दिखाई जाती है। तो जितने लोग अपने सोसाइटी के हैं अपने अपने घरों में जो उनके वुमेंस मेड आती हैं, हाउस मेड आती है, उसको गिफ्ट करें ये पिक्चर।
हाँ जी बहुत अच्छी फिल्म थी। अच्छा जो पुराने में जो चलता था पहले ऐसे लेडीज नहीं जाती थी, हमने सुना हुआ शायद देखा भी होगा, नहीं जाती थी लेडीज। ये बड़ा अच्छा लगा लेडीज जाने लगी, हमें उस शादी की रौनक दुगनी हो जाती लेडीज से। अच्छी लगी है।